हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। ये रिश्ता क्या कहलाता है का 6 नवंबर से नया जनरेशन की जो कहानी है वो स्टोरी लाइन स्टार्ट होने जा रही है। प्रोमोज वगैरह रिलीज हो चुके हैं, फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आइए जान लेते हैं कहानी जो है किस तरह की होने जा रही है, जो कि हमें 6 नवंबर से नई शुरुआत देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले बात करें समृद्धि शुक्ला की, यानी कि जो इस सीरियल में अब मेन लीड यानी कि अभीरा का कैरेक्टर प्ले करेंगी और इस कहानी को आगे लेकर जाएंगी। जैसा कि हम प्रोमो में देख ही चुके हैं कि वो अपनी मदर की तरह, अक्षरा की तरह एक सक्सेसफुल लॉयर बनने के लिए एक्सपायर करती हैं। यही उनका एम है ज़िंदगी में कि वो एक सक्सेसफुल लॉयर बनना चाहती हैं। ये तो हमने ट्रेलर में ऑलरेडी देख लिया, लेकिन आगे जाकर क्या ट्विस्ट आएगा जिससे सीरियल की कहानी आसपास घूमेगी। तो गाइस, आगे चलकर इसकी शादी हो जाएगी शहजादा धामी के कैरेक्टर के साथ, जो कि सीरियल में मेल लीड प्ले करते हुए हमें नजर आएंगे। इनको समृद्धि के ऑपोजिट पेयर करा गया है। तो अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि शहजादा धामी का जो कैरेक्टर होगा वो देश के सबसे बेस्ट लॉयर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर हैं, जो कि हर केस मोस्टली जीतते ही हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा उनके पास केस वगैरह लड़वाने आते हैं अपने, तो एटसेट्रा एटसेट्रा इस तरह का उनका कैरेक्टर है। और दूसरी ओर अभीरा वहाँ पर चाहती है एक लॉयर बनना सक्सेसफुल, और यहाँ पर लॉयर के साथ ही उनकी शादी हो जाती है। तो आप कहेंगे तो ये तो अच्छी चीज़ है, इसमें क्या गलत है। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये आता है कि अनीता राज जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं वो होगा शहजादा धामी की दादी का रोल। यहाँ पर अनीता राज का बॉन्ड जो है शहजादा मेल लीड के साथ बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही प्यार करती होंगी वो इसके साथ। लेकिन ये चीज़ उनके साथ सही नहीं बैठेगी कि अभीरा भी लॉयर बनना चाहती है, और इसी करके यहाँ पर हमें नेगेटिव शेड्स, इस ग्रे शेड्स इस कैरेक्टर में देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर शो का जो मेन आइडिया रहेगा जनरेशन लीप के बाद वो इसी के आसपास घूमने वाला है, इसी के अराउंड। यहाँ पर लॉयर्स की कहानी होने जा रही है, ये रिश्ता क्या कहलाता है हमें, और ऑफ कोर्स लव स्टोरी तो होगी ही। यहाँ पर अनीता राज का जो करेक्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें शो में इनके आने से देखने को मिलेंगे। सबसे पहले भी लीप के बाद वाली कास्ट में कन्फर्म्ड एक्ट्रेस यही थी, सबसे पहले इनको फाइनल करा गया था इस शो के लिए। यहाँ पर प्रतीक्षा होनमुखे प्ले करने जा रही हैं रूही का रोल, तो इसकी भी शादी सेम फैमिली में होगी जिसकी अभीरा की जिस फैमिली में हो रही है। यानी कि शहजादा धामी का जो भाई का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी वाइफ का रोल रूही प्ले करने वाली है, तो रूही की शादी उनके भाई के साथ हो जाएगी। तो यहाँ पर अभीरा और रूही की शादी जो है वो सेम फैमिली में होती हुई हमें यहाँ पर नज़र आने वाली है। और शहजादा धामी के भाई का जो करेक्टर है यानी कि रूही के जो पति का करेक्टर है उसका नाम है अरमान। तो गाइज, ये मेन कॉन्सेप्ट रहने वाला है जनरेशन लीप के बाद ये रिश्ता का। बाकी हाँ, स्टोरी डिटेल्स और भी आने वाले दिनों में फुली एक्सप्लेन करके डिटेल वाला वीडियो बना दूंगा, अभी के लिए सिर्फ एक स्टोरी का ऊपर ऊपर से आइडिया है तो शॉर्ट में। तो कमेंट सेक्शन में बताइए आप लीप को देखने के लिए एक्साइटेड हैं फिर नहीं। सारी अपकमिंग ये रिश्ता की न्यूज़ के लिए, लीप अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए। और अगर आपने लीप की कास्ट वाला वीडियो नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल भी मिस मत करिए। नया वीडियो बना दिया है इसकी न्यू कास्ट के ऊपर, जिसमें फुल लिस्ट है मेन वाले एक्टर्स की, ज़रूर देखिए, उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।